एक समय की बात है जब एक घने जंगल में दुर्दांत नाम का एक शेर रहता था। वो दुर्दांत शेर काफी चतुर था और उसे अपनी चतुराई से हर एक जानवर से मित्रता करके उसका लाभ उठाने में खूब मजा आता था। जंगल में सभी जानवर ये जानते थे कि वो दुर्दांत शेर सबसे मित्रता करके अपना स्वार्थ निकालता है, और जब उसका स्वार्थ निकल जाता है तो उसे पहचानता तक नहीं है। इसलिए उसके इसी व्यवहार के कारण जंगल के सभी जानवर उस शेर से दूर रहने लगे, जिसके कारण शेर को मित्रों की खोज में घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, लेकिन कोई नहीं मिला, क्योंकि उस दुर्दांत शेर की चतुराई से जंगल के सभी जानवर भलीभांति परिचित थे। फिर जब एक दिन वो शेर शाम को अपनी गुफा के पास टहल रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा भालू भी उसकी गुफा के पास ही कुछ दूरी पर घर बनाकर रह रहा था। तब अपने स्वभाव से मजबूर उस शेर के मन में विचार आया कि इस बार क्यों न इस भालू से ही मित्रता करके इसको मूर्ख बनाया जाए। फिर उसी समय से वो शेर उस भालू से बात करने का तरकीब ढूंढने में लग गया, लेकिन उसे भालू से बात करने का कोई भी बहाना नहीं मिला। लेकिन तभी एक दिन शेर ने भालू को एक चिड़िया से बात करते हुए सुना। वो चिड़िया भालू से पूछ रही थी कि आप तो इतने बूढ़े हो गए हो तो इस आयु में अपने लिए खाना कैसे जुटाते हो। तब उस भालू ने चिड़िया को बताया कि जब मैं युवा था तब मैं आसानी से मछली पकड़कर खा लेता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं अब शहद खाकर ही अपनी पेट भर लेता हूँ, जो स्वादिष्ट और सेहतमंद भी है। फिर ये सारी बातें सुनने के बाद शेर के मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगा कि कैसे भी इस भालू से मित्रता करके शहद के बारे में पता करना होगा। तब उस दुर्दांत शेर ने एक योजना बनाई और धीरे धीरे भालू के पास जाकर चापलूसी भरी अंदाज में बोला, अरे भालू जी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। याद कीजिए, आप जब युवा थे तो आपने मुझे एक दिन कुछ मछलियाँ तालाब से निकाल कर खिलाई थी, क्योंकि आप मुझे उस समय बहुत पसंद करते थे और आपने मेरी बहुत बार सहायता भी की थी। भालू को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि वर्षों पुरानी बात है, हो सकता है कभी मैंने इसकी सहायता की होगी। भालू सोच ही रहा था तब तक शेर ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, कभी कोई आवश्यकता हो तो आप मुझे याद कर लेना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। इतना कहकर वह शेर मन मन मुस्काता अपनी गुफा की ओर चला गया। फिर अगले ही दिन से शेर और भालू एक दूसरे से बातचीत करने लगे और धीरे धीरे भालू और शेर की मित्रता भी गहरी होती गई। दूसरी ओर भालू शेर की मतलबी चाल से बिल्कुल अनभिज्ञ था। तब एक दिन न चाहते हुए भी वो दुर्दांत शेर भालू को खाने का निमंत्रण दे दिया, और भालू भी शेर का निमंत्रण मिलने से बड़ा प्रसन्न था। उधर दुर्दांत शेर निमंत्रण देकर भी पछताने लगा, क्योंकि अपना खाना भालू को खिलाने की बात उसे हजम नहीं हो रही थी। फिर वो तरकीब सोचने लगा कि कैसे भालू को खाना पर बुलाए भी और उसे खाना भी न खिलाना पड़े। तब अगले ही दिन जब भालू खाना खाने आया तो वो शेर एक ही बर्तन में खाना लेकर आया और भालू को भी उसी बर्तन में खाने को कहा। तब भालू संकोच करते हुए खाना प्रारंभ ही किया था कि तभी शेर ने अचानक तेजी से खाना शुरू कर दिया तथा कुछ ही समय में खाना समाप्त कर दिया और भालू देखता ही रह गया। उसके बाद शेर ने भालू से कहा, मित्र मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ। तब चतुर शेर की चतुराई से भालू बहुत निराश हुआ और दुखी मन से अपनी गुफा में वापस लौट गया। फिर अगले दिन जब चिड़िया ने भालू से पूछा कि आप इतना निराश क्यों हैं, तो भालू ने रात की सारी घटना उसे बता दी। तब चिड़िया ने हंसते हुए कहा कि वो शेर बहुत मतलबी है, क्योंकि पहले वो सबसे मित्रता करता है और फिर उनका लाभ उठाकर चला जाता है। वो कभी किसी की सहायता नहीं कर सकता, इसलिए अब आपको ही किसी तरकीब से उसे सबक सिखाना चाहिए। ये बात बताकर चिड़िया अपने घर चली गई। तब दूसरे ही दिन भालू ने दुर्दांत शेर के प्रति गुस्सा मन में दबाए हुए उससे मिलने गया, क्योंकि उसे मालूम था कि उस शेर को शहद खाने की प्रबल इच्छा है। इसलिए जैसे ही भालू शेर के पास पहुंचा, तो शेर ने कहा, मित्र मुझे स्वादिष्ट शहद को खाने की बहुत इच्छा है, लेकिन तुमने आज तक मुझे शहद का स्वाद चखाया ही नहीं। ये बात सुनते ही भालू ने मन में सोचा कि अब इस चतुर शेर को सबक सिखाने का समय आ गया है। फिर भालू ने शेर से कहा कि आपको अगर शहद खाना है तो ये बहुत छोटी सी बात है, आप मेरी गुफा में आए, मैं आपको बहुत सारा स्वादिष्ट शहद खिलाऊंगा। फिर शेर के आते ही भालू ने उसको बैठने के लिए कहा और उसके बाद अपने घर का गेट बंद कर दिया। ये देख शेर घबरा गया और भालू से पूछा, मित्र तुम इस गेट को क्यों बंद कर रहे हो। तब भालू ने कहा, यदि शहद की सुगंध किसी और जानवर ने सूंघ ली तो वो भी तो शहद मांगने आ सकते हैं। उसके बाद योजना के अनुसार भालू ने मधुमक्खी से भरा
एक पूरा छत्ता लाकर उस चतुर शेर के सामने रख दिया और कहा, लो भाई इसी छत्ते के अंदर शहद है, जितना मन करे खा लो। शेर तो वैसे ही बहुत दिनों से शहद का स्वाद लेना चाह रहा था, इसलिए सामने आते ही जल्दी से मधुमक्खी के छत्ते के अंदर मुंह डाल दिया और तभी सभी मधुमक्खियों ने उस पर आक्रमण कर दिया और काटना शुरू कर दिया, जिससे उसके पूरे चेहरे पर सूजन हो गया और वो दर्द से बिलबिलाने लगा। वो लालची शेर जिस दिशा में भागता, मधुमक्खियां उसका उधर ही पीछा करने लगती। तब अंत में क्रोध में आकर भागते भागते दुर्दांत शेर ने भालू से पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शहद कैसे खाया जाता है? फिर भालू ने शेर को तत्काल जवाब दिया कि मैं तो शहद ऐसे ही खाता हूँ, मुझे तो कोई मधुमक्खी नहीं काटती है, और मन मन मुस्काने लगा। तब ये देखकर भूरा शेर समझ गया कि भालू ने उसे बदला लिया है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चला गया। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है और अपने मित्रों के प्रति हमेशा वफादार होना चाहिए, जिसकी शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है।